हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आपका नए लेक्चर के साथ। आज आप सुनने वाले हैं सुपर डुपर यूज ऑफ लेट एंड लेट्स। इंपरेटिव मूड के सेंटेंस होते हैं। लेट का प्रयोग कहां करते हैं? लेट का प्रयोग करते हैं आग्रह के लिए, अर्ज के लिए। और लेट्स का प्रयोग कहां करते हैं? लेट्स का प्रयोग करते हैं सजेशन के लिए, सुझाव के लिए। मैं दोनों की पहचान बता रहा हूं आपको। दोनों का डेली यूज में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। लेट के प्रयोग, जो लेट के प्रयोग की पहचान क्या है? लेट के वाक्य समाप्त होते हैं जाने दो, खाने दो, पीने दो, पढ़ने दो, देखने दो। और लेट्स के वाक्य फिनिश होते हैं, शुरू होते हैं आओ या चलो से। इनकी शुरुआत में आओ या चलो होता है, इनके लास्ट में जाने दो, खाने दो, पीने दो होता है। अब इनका फॉर्मूला देख लेते हैं, लेट का फॉर्मूला देखते हैं। लेट वाले सेंटेंस सबसे पहले लेट लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऊपर, उसके बाद एक्स्ट्रा। जिस तरह से उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी, यहां हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, लेट हिम स्टडी। सबसे पहले लेट होके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऊपर, उसके बाद एक्स्ट्रा। जिस तरह से उन्हें क्रिकेट खेलने दो, लेट देम प्ले क्रिकेट, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऊपर, उसके बाद एक्स्ट्रा। अब देख लेते हैं लेट्स सजेशन वाले वाक्य, सुझाव वाले वाक्य। इनका फॉर्मूला देखिए, लेट्स सबसे पहले लेट्स, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जिस तरह से आओ दिल्ली चलें, लेट्स गो टू दिल्ली, चलो क्रिकेट, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, सॉरी एब्सोल्युटली सॉरी, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ चाय लेते हैं, लेट्स टेक टी, चलो दिल्ली चलते हैं, लेट्स गो टू दिल्ली, चलो थानाभवन चलते हैं, लेट्स गो टू थानाभवन। यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस, दैट्स ऑल।